दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट इंडिया और डेली क्रिकेट के एक और नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज तारीख हो चुकी है 15 फरवरी 2022 और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज दिन भर की क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरों के बारे में, जहां पर एक तरफ क्रिकेट का महासंग्राम यानी टाटा IPL 2022 के फाइनल शेड्यूल, RCB, KKR और पंजाब किंग्स के कप्तान को लेकर आप सभी IPL फैंस के लिए दो तीन बड़ी बड़ी खबरें ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ भारत और वेस्ट इंडीज के बीच होने वाली 3 मैचों की T20 सीरीज की शुरुआत से पहले ही भारतीय टीम को बहुत ही तगड़ा झटका लग गया है और उसके अलावा भी यहां पर क्रिकेट से जुड़ी हुई काफी सारी बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही है और इस वीडियो में हम इन सभी खबरों को वन बाई वन पूरी तरह से एनालिसिस करने वाले हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और वीडियो के नीचे से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत और वेस्ट इंडीज के बीच होने वाली T20 सीरीज को आप My11 सर्कल ऐप पर खेल सकते हैं, क्योंकि इस ऐप को डाउनलोड करते ही फर्स्ट डिपॉजिट पर आपको 1500 रुपए का कैश बोनस प्लस 20% एक्स्ट्रा कैश बैक मिलने वाले। आप सभी को पता है कि VVS लक्ष्मण, सौरव गांगुली, अजिंक्य रहाणे इनके ब्रांड एम्बेसडर है और यदि आपकी टीम VVS लक्ष्मण की टीम को हरा देती है तो आपको मिलेगा आपकी विनिंग का 5 गुना ज्यादा कैश और यदि आप यहाँ पर फर्स्ट रैंक पर आते तो आप महिंद्रा की थार भी जीत सकते हैं। तो इंतजार किस चीज का कर रहे हैं, आज के महामुकाबले के लिए हमारी जो टीम है उसका आप सभी लोग स्क्रीन पर बिल्कुल क्लीन एंड क्लियरली देख पा रहे होंगे। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक से फटाफट My11 सर्कल को डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए बिना समय गवाए अब हम बात करते हैं दिन भर की क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरों की। तो पहली और सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है वेस्ट इंडीज टूर ऑफ इंडिया 2022 को लेकर, जहां पर वनडे सीरीज में 3-0 से शानदार तरीके से जीत हासिल करने के बाद अब भारत और वेस्ट इंडीज T20 फॉर्मेट में आमने सामने होने वाले हैं। 3 मैचों की बहुत ही शानदार T20 सीरीज हमें 16 फरवरी से देखने को मिलने वाली है। सभी के सभी महामुकाबले हमें कोलकाता के ईडन गार्डन्स के मैदान पर देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन दोस्तों इस T20 सीरीज की शुरुआत से पहले आज की तारीख में इस सीरीज के रिगार्डिंग दो तीन बड़े बड़े अपडेट्स ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है। चलिए बात कर लेते हैं सभी बड़े अपडेट्स की। तो पहला अपडेट निकल कर आ रहा है इस T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम के स्क्वाड्स को लेकर, जहां पर आप सभी को पता है कि अभी से काफी टाइम पहले ही BCCI ने सीरीज के लिए भारत की 18 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया था। लेकिन दोस्तों काफी सारे अलग अलग रीजंस के चलते 3-4 बड़े बड़े खिलाड़ी यहां पर इस सीरीज से पूरी तरह से रूल्ड आउट हो गए हैं, जहां पर मैंने आप सभी लोगों को पहले ही बता दिया था कि भाई KL राहुल यहां पर इंजरी के चलते इस सीरीज से बाहर हो गए। वहीं दूसरी तरफ अक्षर पटेल COVID-19 पॉजिटिव होने के कारण इस सीरीज से पूरी तरह से रूल्ड आउट हो चुके थे और इन दोनों ही खिलाड़ियों की BCCI ने पहली अनाउंसमेंट कर दी थी, जहां पर ऋतुराज गायकवाड़ और दीपक हुड्डा को भारत के T20 स्क्वाड्स में शामिल किया गया था। लेकिन दोस्तों कल यहां पर एक और तगड़ा झटका भारतीय टीम को लगा है। जी हां, हैमस्ट्रिंग इंजरी के चलते बहुत ही जबरदस्त ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर इस T20 सीरीज के लिए अवेलेबल नहीं होने वाले हैं और ऐसे में यहां पर BCCI ने उनकी आईडीएल रिप्लेसमेंट की अनाउंसमेंट कर दी है। जी हां, कुलदीप यादव को यहां पर भारतीय टीम में शामिल किया गया है। हालांकि आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि कुलदीप यादव जो फिलहाल भारतीय टीम के साथ जुड़े हैं वो भारतीय टीम के साथ ही बायो बबल में मौजूद थे, जिसके चलते उनको आइसोलेशन पीरियड का हिस्सा नहीं होना पड़ेगा, डायरेक्ट वो यहां पर स्क्वाड्स को ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं अगले अपडेट की। तो ये अपडेट निकल कर आ रहा है T20 सीरीज में ऑडियंस की प्रेजेंस को लेकर, जहां पर मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन ने BCCI के पास इस सीरीज में ऑडियंस को लेकर भाई एक रिक्वेस्ट लेटर लिखा था, जहां पर भाई ऐसा बोला था कि भाई यहां पर जो T20 सीरीज होने वाली है उस T20 सीरीज में हमें कुछ 20% 25% ऑडियंस देखने को मिले। लेकिन भाई कल यहां पर BCCI ने अपना फाइनल डिसीजन सुना दिया है कि भाई यहां पर जो भारत और वेस्ट इंडीज के बीच कोलकाता ईडन गार्डन्स के मैदान पर हमें फर्स्ट T20 मैच देखने को मिलने वाला है वह मैच बिल्कुल भी क्राउड के साथ नहीं होने वाला है, 0% यहां पर ऑडियंस होने वाली है। हालांकि यहां पर मैच ऑफिशियल्स जरूर मौजूद होंगे, लेकिन उसके जस्ट बाद यहां पर बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन ने एक बार फिर से BCCI को रिक्वेस्ट लेटर भेजा, जहां पर इस सीरीज के सेकंड और थर्ड T20 मैच के लिए ऑडियंस को अलाउ करने के लिए यहां पर परमिशन मांगी जा रही है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो यह खबर निकल कर आ रही है क्रिकेट का महासंग्राम यानी टाटा IPL 2022 को लेकर, जहां पर अब IPL 2022 के मेगा ऑक्शंस की समाप्ति के बाद BCCI ने IPL 2022 को होस्ट करने के लिए अपनी तैयारियों की शुरुआत कर दी है। लेकिन दोस्तों आज की तारीख में IPL 2022 के रिगार्डिंग आप सभी IPL फैंस के लिए BCCI ऑफिशियल्स की तरफ से दो तीन बड़ी बड़ी खबरें ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है। चलिए बात कर लेते हैं सभी बड़े अपडेट्स की। तो पहला अपडेट निकल कर आ रहा है IPL 2022 के शेड्यूल को लेकर, जहां पर आप
आप सभी को मैंने बताया कि मेगा ऑक्शन एंड हो चुके हैं, सभी टीमों ने स्क्वेड्स तैयार कर ली है और फिलहाल जो बीसीसीआई की तरफ से रिपोर्ट निकल कर आ रही है उसके मुताबिक ऐसा बताया जा रहा है कि 27 मार्च या फिर 2 अप्रैल 2022 से आईपीएल 2022 की शुरुआत होने वाली है। लेकिन आईपीएल 2022 के शेड्यूल के रिगार्डिंग सभी क्रिकेट फैंस के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है, जहां पर ऐसा बताया जा रहा है कि नेक्स्ट वीक में बीसीसीआई आईपीएल 2022 के रिगार्डिंग आईपीएल ग्राउंडिंग काउंसिल और वही मतलब जो भी आईपीएल का पूरा ग्रुप उनके साथ एक मीटिंग करने वाला है और उस मीटिंग के बाद यहां पर आईपीएल 2022 की स्टार्टिंग डेट और पूरे के पूरे शेड्यूल को आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया जा सकता है। और भाई जैसे ही यहां पर बीसीसीआई की तरफ से आईपीएल के शेड्यूल के रिगार्डिंग किसी भी टाइप का कोई भी अपडेट निकल कर आता है तो अपडेट आपको सबसे पहले अपने चैनल पर ही देखने को मिलने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले अपडेट की, तो यह अपडेट निकल कर आ रहा है पंजाब किंग्स की टीम को लेकर। जी पंजाब किंग्स ने अब यहां पर अपने आईपीएल 2022 के लिए नए कप्तान की घोषणा कर दी है। सभी को उम्मीद थी कि भाई मयंक अग्रवाल हमें आईपीएल 2022 में इस टीम को लीड करते हुए नजर आने वाले, लेकिन दोस्तों कल यहां पर ऐसी रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है पंजाब किंग्स के सोर्सेज के हवाले से रिपोर्ट है कि भाई आईपीएल 2022 में शिखर धवन हमें यहां पर पंजाब किंग्स टीम की कप्तानी करते हुए नजर आने वाले हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगले अपडेट की, तो यह अपडेट निकल कर आ रहा है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम को लेकर, जहां पर आप सभी को पता है कि आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शंस के दौरान रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम ने फाफ डुप्लेसिस को 7 करोड़ रुपए में अपनी टीम में शामिल किया, जिसके बाद ऐसी रिपोर्ट्स निकल कर आ रही थी भाई आईपीएल 2022 के लिए डेफिनेटली यहां पर फाफ डुप्लेसिस इस टीम की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि भाई विराट कोहली ने यहां पर पहले ही आईपीएल में कप्तानी करने से इनकार कर दिया है। हालांकि ग्लेन मैक्सवेल की तरफ भी काफी सारे सवाल थे, लेकिन दोस्तों कल यहां पर ऐसी रिपोर्ट्स निकल कर आई भाई जो आरसीबी की मैनेजमेंट है वो ऐसा चाहती है कि आईपीएल 2022 में ग्लेन मैक्सवेल इस टीम की कप्तानी करे। हालांकि यहां पर अभी तक ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की मैनेजमेंट ने अपने कप्तान की घोषणा नहीं की है, आने वाले कुछ दिनों में कप्तान की घोषणा कर दी जाएगी। लेकिन फिलहाल जो सबसे ज्यादा रुझान है वो कुछ ऐसा है कि भाई ग्लेन मैक्सवेल हमें आईपीएल 2022 में आरसीबी की कप्तानी करते हुए नजर आ सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगले अपडेट की, तो ये अपडेट निकल कर आ रहा है वेस्ट इंडीज क्रिकेट के खिलाड़ियों को लेकर। जी मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि वेस्ट इंडीज के जितने भी खिलाड़ी है उनको यहां पर आईपीएल 2022 में खेलने के लिए परमिशन मिल गई है। जी वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने कल आधिकारिक तौर पर यह कंफर्म कर दिया कि जितने भी वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी आईपीएल 2022 में पार्टिसिपेट करने वाले हैं सभी के सभी खिलाड़ी यहां पर फर्स्ट मैच से ही आईपीएल 2022 के लिए अवेलेबल रहने वाले हैं और वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने परमिशन यहां पर सभी खिलाड़ियों को ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर दे दी है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर निकल कर आ रही है एशिया का सबसे बड़ा टूर्नामेंट यानी एशिया कप 2022 को लेकर। जी आप सभी को बताया कि पिछले 2 साल से लगातार कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से एशिया कप को पोस्टपोन किया जा रहा है, लेकिन दोस्तों फाइनली यहां पर एशिया कप 2022 का पूरा कार्यक्रम एसीसी यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल ने जारी कर दिया है, जहां पर इस साल हमें सितंबर के मंथ में एशिया कप 2022 देखने को मिलेगा। और भैया फिलहाल जो लेटेस्ट अपडेट उसके मुताबिक ऐसा बताया जा रहा है कि इसी वीक में हमें एसीसी यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल की एक बहुत ही बड़ी मीटिंग देखने को मिलने वाली, जिस मीटिंग के बाद एशिया कप 2022 का पूरा कार्यक्रम आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया जाएगा। और जैसे ही यहां पर एशिया कप के रिगार्डिंग किसी भी टाइप का कोई भी अपडेट आते हैं तो अपडेट आपको सबसे पहले अपने यूट्यूब चैनल पर ही देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों ये है आज 15 फरवरी 2022 क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरें। इन सभी खबरों के ऊपर आपके क्या ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपने राय, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक से My11 सर्कल को डाउनलोड कर लीजिए। दिस गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली एंड एट योर ओन रिस्क।